जा पहुंचा, किंतु स्वयं ही वृक्षासुर के चंगुल में जा फंसा। संकट मोचन मारुति ने नल को संकट में देखा तो उन्होंने और उनकी सखा ने ना केवल वृक्षासुर का संहार किया वरन वाली को भी बचा लिया। अब आगे है। क्या मिला, क्या मिला वाली और वृक्षासुर को ये सब करके? जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल उसे भोगना होता है। एक नन्ना बालक भी कर्मों का फल दे सकता है। अपने बल और अहंकार के मद में चूर होकर वाली और वृक्षासुर ने अबोध मारुति के प्राण हरने का प्रयास किया, किंतु परिणाम क्या हुआ? एक को मृत्यु मिली और दूसरे को मुंह की खानी पड़ी। सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे उसके किए गए कर्मों का फल ना भुगतना पड़े। आतताई राक्षस वृक्षासुर के वध से सुमेरु और उसके आसपास के राज्यों में मंडराते संकट के बादल तो छट गए, किंतु मारुति की संकट मोचन लीला ने तीन मनुष्यों पर असीमित प्रभाव छोड़ा। एक तो थी अंजना, मारुति की मां। मां का हृदय बहुत ही कोमल होता है। अंजना विचलित हो उठी थी। इस घटना ने झकझोर कर रख दिया था अंजना के वात्सल्य को। मां, मेरे पुत्र। मारुति का अंग वस्त्र मारुति की माँ ने बड़े प्रेम से बनाया था मारुति के लिए। कहाँ जा रहे? रोकिए इसे। मारुति, पल के लिए तो मेरी सांस ही रुक गई थी। मारा, 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 मारा।
मारुति, मेरी रक्षा करने के लिए तुमने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कैसा मित्र, तुमने ही तो कहा था मित्रता में ना ही धन्यवाद कहते हैं और ना ही क्षमा मांगते हैं। मारुति ने आपका दिया हुआ अंगवस्त्र पुनः प्राप्त कर लिया। हे ललिता अम्मा, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मेरे पुत्र पर आई हुई इस महाविपदा को टालने के लिए मैं आपको सहस्त्र नमन करती हूं। पिताश्री, मारुति प्रतियोगिता में विजयी हो गया। हाँ पुत्र, तुम्हारे अतुलित बल और अद्भुत पराक्रम को देखकर मैं भी आश्चर्यचकित रह गया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है पुत्र। मारुति, आज तुमने अपनी अनुपम शक्ति का प्रदर्शन करके ये सिद्ध कर दिया है कि तुम हम सबसे अधिक बलशाली हो। तुमने उस महाभयानक वृक्षासुर को मार गिराया है। अंजना, दुविधा में थी कि अपने पुत्र की जय जयकार से प्रसन्न हो या भयानक वृक्षासुर की मृत्यु के परिणाम से भाई भी। अब मैं अपने पुत्र को यहाँ एक क्षण भी नहीं रहने दूंगी। शीघ्र चलो यहाँ से पुत्र। पर पटक पछाड़ा हो गया दुष्ट असुर का अंत, सुखी हुए सब दिग दिगंत। शंभु साधन वन का
विश्वास प्रेम मिठों का पाया है महाबली ये संकट मोचन परमात्र प्रेम के अद्भुत बंधन माँ की न्यारी ममता देखो छिपा लिया अंचल में सुत को जय 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 मारुति माता फल सूरज कब हाथ में आता जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान एक गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान माँ की ममता और वात्सल्य की कोई सीमा नहीं होती भले ईश्वर ही स्वयं पुत्र के रूप में हो किंतु माँ उन्हें अबोध बालक ही समझती है। अंजना को भी अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए अपनी ममता का आंचल ही अभेद कवच लगता था। माँ तो अपने पुत्र के हर सुख दुख और क्रियाकलाप से सबसे अधिक प्रभावित होती इसलिए अंजना का प्रभावित होना तो स्वाभाविक था प्राण बल्लभ किंतु ऐसा और कौन था जो मारुति की इस संकट मोचन लीला से सबसे अधिक प्रभावित हुआ। किसी के भी कार्यों से माता पिता के पश्चात सबसे अधिक प्रभावित या तो परम मित्र होता है या परम शत्रु। मारुति की इस लीला से जो सर्वाधिक प्रभावित हुआ वो था स्वयं को महानतम समझने वाला वाली। राग और द्वेष अंतःकरण के विकार हैं। जिसके प्रति अनुराग हो उसके दोष नहीं दिखाई देते इसी प्रकार जिसके प्रति मन में द्वेष जागृत हो जाता है उसके गुण नहीं दिखाई देते। मारुति ने वाली के प्राण बचाए थे किंतु द्वेष भावना के कारण वाली को उसमें भी अपनी पराजय दिखाई दे रही थी। उस पराजय ने मानो वाली से महानतम वाली को ही छीन लिया था। वो पूरी तरह टूट चुका था एक प्राणहीन मूर्ति की भांति भूमि पर बैठा था। भैया बहुत व्यथित हो गए हैं कहीं कुछ करना बैठे। उछल कूद बंद करो और सीधे खड़े रहो। ये लीजिए नमक और जल महारानी जी। इसे बहते पानी में बहा दो। माँ आपने मारुति को कुदृष्टि से बचाने के लिए उन्हें नमक बहाने के लिए कह दिया। देखिए माँ कितना नमक व्यर्थ हो गया। तुम्हें नमक की चिंता है मुझे तुम्हारी चिंता है पुत्र। प्रभु मेरे पुत्र के ऊपर से इतना बड़ा संकट टल गया। वृक्षासुर जैसे महाराक्षस का वध मेरे मारुति ने कर दिया। ये आपकी कृपा के बिना संभव नहीं था प्रभु। आपको कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
मेरे लाल, वृक्षासुर जैसे भयानक राक्षस से भिड़ गए। तुम्हें तनिक भी नहीं लगा कि तुम्हारे मां के हृदय पर क्या बीतेगी। मां, कितनी कामना की, व्रत उपवास किए, कितनी पूजा आराधना और घोर तपस्या के बाद मैंने तुम्हें पाया। यदि आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, इतना भी नहीं सोचा। एक बार मेरा स्मरण तक नहीं आया। माँ, स्मरण तो उन्हें किया जाता है ना जो हमसे दूर हो। माँ, जब आप मारुति के साथ नहीं होती हो तब मारुति को सदैव ऐसा लगता है कि मारुति के साथ ही हो।